में रहेंगे तो हिंदू बनकर रहना होगा। अररिया में रहना है तो हिंदू बनकर रहना है। बीजेपी एमपी प्रदीप सिंह के इस बयान के बाद अब बिहार की राजनीति में भूचाल मच गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। दरअसल बीते दिनों बीजेपी कोटे से सांसद और खासकर अररिया से सांसद प्रदीप सिंह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जहां गिरिराज सिंह के हिंदू स्वाभिमान यात्रा के दौरान प्रदीप सिंह ने एक विवादित बयान दे दिया। उन्होंने बयान में ये कहा है कि अररिया में रहना है तो हिंदू बनकर रहना है। अब इसके बाद तेजस्वी यादव ने मोर्चा खोल लिया। तेजस्वी यादव की तरफ से लगातार इस पर प्रतिक्रिया निकलकर सामने आ रही है। राजद की तरफ से, राजद के अलग अलग नेताओं की तरफ से इस पर प्रतिक्रिया निकलकर सामने आ रही है। इन सबके बीच बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और भूमि राजस्व विभाग के मंत्री दिलीप जायसवाल ने प्रदीप सिंह के वो सपोर्ट में खड़े हो गए हैं और प्रदीप सिंह के सपोर्ट में आकर के दिलीप जायसवाल ने बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि जरूर किसी ने इसमें गड़बड़ी की है, क्योंकि प्रदीप सिंह ऐसे विवादित बयान नहीं दे सकते हैं। जरूर क्लिप को कट करके उस उतना पार्ट को, यानी बिहार में रहना है, अररिया में रहना है तो हिंदू बन करके रहना है, हिंदुओं को एकजुट होकर के रहना है, इस क्लिप को काट कर जानबूझकर दिखाया गया है और बदनाम करने की कोशिश की गई है। दिलीप जायसवाल ये भी कहते हैं कि प्रदीप सिंह उन हिंदुओं को एकजुट होने की बात कर रहे हैं जो जातियों में आपस में बट चुके हैं, उन तमाम हिंदुओं को एकजुट होने की बात कर रहे हैं। तो देखिए किस तरीके से जब बिहार में बीजेपी के सांसद के एक बयान के बाद भूचाल सा मच गया है, विपक्ष की तरफ से लगातार बयानबाजी शुरू हो गई है, तो अब दिलीप जायसवाल की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से अब इस पर पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है। और क्या कुछ सफाई दे रहे हैं दिलीप जायसवाल प्रदीप सिंह के लिए, वो आपको सुनवाते हैं। देखिए, प्रदीप सिंह जी के आधा भाषण को दिखाया गया। प्रदीप सिंह जी ने कहा था कि हिंदू के जितने जाति हैं उन सबको अररिया में हिंदू बनकर रहना होगा, जात पात में नहीं बटना होगा, आपस में शादी ब्याह करना होगा। तो इसको उन्होंने, कुछ कुछ मीडिया के लोगों ने उस क्लिप को सिर्फ कि अररिया में रहेंगे तो हिंदू बनकर रहना होगा, हिंदू बनकर किसको रहना होगा, वो हिंदू जो कि अलग अलग जाति में बटे हैं वो जाति से हट के उसको हिंदू बनाने की बात उन्होंने किया। लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह का सौहार्दपूर्ण वातावरण को बिगाड़ने का काम पसंद नहीं करती। इसीलिए सभी लोग गलत अफवाह नहीं फैलाएं। इस देश में मोदी जी ने कहा है सबका साथ सबका विकास, सभी जाति का, सभी धर्म, हमारे देश के 140 करोड़ लोग आपस में भाई भाई बहन बहन हैं। देखिए, जब तक महागठबंधन के साथ माननीय नीतीश कुमार जी रहे, नीतीश कुमार जी स्पष्ट बोलते हैं कि मैं वहां घुटन महसूस कर रहा था, क्योंकि जिस तरह से महागठबंधन के नेता नीतीश जी के साथ रहकर बिहार को लूटने का काम किया और लूटने का पूरा सूची भी उपलब्ध है, वो लोग अब इस तरह की बात करके अपना नैतिक पतन होने का उदाहरण दे रहे हैं।